पंजाब सरकार द्वारा केंद्र सरकार के खेती कानूनों के विरोध में ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, जिनको राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाना है। इन ऑर्डिनेंस के हक में बोलते हुए शिक्षा मंत्री पंजाब विजेंद्र सिंगला ने कहा कि केंद्र सरकार के किसान विरोधी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं। ये ऑर्डिनेंस किसानों के हक में है, सभी को साथ मिलकर इन ऑर्डिनेंस के लिए राष्ट्रपति के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस किसानों के हक में है और उन सभी वर्गों के हक में है जो पंजाब की इकोनॉमी को चलाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के नुमाइंदे किसानों और गांव में रहने वाली जनता के हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रपति के पास लेकर जा रहे हैं, ताकि उनको इस बारे में बताया जा सके। सिंगला पठानकोट में विशेष कार्यक्रम में पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट पर बोलते हुए विजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रेस नोट जारी करना बहुत आसान काम है, परंतु सरकार लोगों ने बनाई है और पंजाब सरकार लोग पंजाब के हितों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सरेआम कहा था कि पंजाब के हितों के लिए वह इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। सुखबीर सिंह बादल के कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दिए गए बयान पर बोलते हुए विजेंद्र सिंगला ने कहा कि ये बहुत बेतुकी बातें हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। सभी जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा पंजाब के लोगों के हक में आगे आए हैं। पंजाब के लोगों नाल जुड़ी गल है, किसानी नाल जुड़ी गल है, खेतों च काम करने वाले जिहड़ा मजदूर है वो जुड़ी गल है, छोटे दुकानदार जुड़ी गल है, ओपरेट ट्रक ओपरेटर जुड़ी गल है, क्योंकि साढ़े सारे पंजाब की इकोनमी ये चारों पंजों जोड़े लोग कट्ठे फसल का काम करते हैं वो उपर खड़ी है। तो जे असी अज विधानसभा भी सारी पार्टियां ने साझे तौर पर तीनों कानून जो मोदी की BJP की सरकार ने दिल्ली बनाए से उन्होंने रद्द कर काम किया और उन्होंने खिलाफ अपना एक कानून पंजाब पेश किया कि अगर फसल MSP तो घट खरीदन वास्ते कोई भी व्यापारी चावल या कणक नूं लैण वास्ते पंजाब च आऊगा या कोई संस्था होगी उहदे उपर 3 साल की कैद का परचा दर्ज किया जाऊगा। और उन्हां नूं रद्द करन तो बाद असी गवर्नर साहब कोल भी सारिया पार्टियां इकट्ठे होकर गए और हुण राष्ट्रपति जी तो उस दिन अनाउंस किया कि राष्ट्रपति जी तो 2 तरीक तो लैके 5 तरीक तक का समा मंगया, वह 4 तरीक का टाइम कन्फर्म होया तो सारे लोग मिल के पंजाब की आवाज़ नूं कलैक्टिव तरीके राष्ट्रपति को लेके जाइए ताकि पंजाब के लोगों की जो हकों की लड़ाई कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार लड़ रही है उन्होंने असी किसी जगह से सिरे ला सके। सर गए तो थोड़े नाल से आम आदमी पार्टी के लोग और बाकी श्रोमणी अकाली दल के भी अंदर जाके जरूर ऑर्डिनेंस दे आए हैगे ने राज्यपाल नूं, लेकिन बाहर आके उन्होंने बयान कुछ होर सके। तो इस तो उन्होंने काबिलियत उन्होंने थॉट प्रोसैस से वो की सोचते हैं पंजाब की किसानी बारे जिन्होंने पंजाब की किसानी की ताकत के तहत इस सूबे पर राज किया तो अज वो अज जदों किसानी संकट च है तो उन्होंने की फीलिंग वो बारे ये उन्होंने गल तो यह पता लगता है। तो मैं ये समझदा कि साढ़े पार्टी वालों साड़ी सरकार वालों इस गल के उपर जोरदार तरीके लीगल लड़ाई लड़न का भी फैसला किया गया कि असी पहला संविधान तौर के उपर जो जो गल्लां करन दी लोड़ है असी उसनू कर रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स नू असी हायर किया, लीगल एक्सपर्ट्स की राय नू असी अपने विच जोड़िया ताकि असी इस लड़ाई नू किते लॉजिकल कंकलूजन ते लैके जा सकीए। सो ये सारिया गल्लां उस राह दे पहलू हैं, चाहे वह गवर्नर पहला विधानसभा विच कानून बनाने की गल सी उस तो बाद गवर्नर साहब को जाके उसनू मंजूर कराने की गल सी ते चाहे हुण राष्ट्रपति साहब को जाके उसकी पेशकश करन की गल है। और सारे पिंडां चों खास तौर पर मैं तो जरूर यह कहना चाहना कि असी पिंडा च रहने वाला किसान ते गरीब ते छोटे दुकानदार दे दस्तखत करा के नाल लैके जा रहे हैं ताकि उन्हां दी भावना भी राष्ट्रपति जी कोल और केंद्र दी सरकार कोल पहुँच सके कि इन्ने पंजाब दे लोग इस तीनों जिहड़े काले कानून इस देश दी सरकार ने BJP दी सरकार ने मोदी दी सरकार ने बनाए हैं उन्हां दे नाल किन्नी तकलीफ या जिस तरीके दा कम साडे किसान ने कीता इन्ने वरियां तों किस तरीके नाल पूरे हिंदुस्तान दे 50% लोगों का पेट भरन दा कम साडे लोगों ने किया और 1965 की लड़ाई दी तो बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या भारत की सरकार ने साडे सूबे नूं MSP देने की गल की सी। पंजाब ने कदे कोई भीख नहीं मंगी, पंजाब के लोगों ने अपने बच्चों के अपनी मेहनत अपने खून पसीने की मेहनत नाल हिंदुस्तान का ढिड भरिया। हो सकता साड़ी तो बड़िया लिमिटेड आसा होन या उम्मीदा होन, पंजाब ने अतवाद भी भुगताया, पंजाब ने फ्रीडम मूवमेंट के विच भी सब तो वड्डी कुर्बानी दिती है, पंजाब हैज़ बीन डिकलेयर्ड एज द फूड बॉल ऑफ आर कंट्री ऑलसो। तो पंजाब के लोगों ने अपनी मेहनत नाल इस देश की जनता का ढिड भरन का काम किया,
किसी किसान ते गरीब ने अपने पेट की परवाह नहीं की, पर अज जदों साढ़े गरीब ते किसान दे पेट ते लत मारन दा काम बीजेपी की मोदी सरकार ने किया, तो मैं समझता सानू सारों कलैक्टिव लड़ाई लड़नी चाहिए है और ये सारिया चीज़ा उसी डायरेक्शन दे विच। पर बीजेपी तो कह रही है कि सरकार रिलायबल नहीं हैगी, सरकार चाहे कानून व्यवस्था हो बाकी मुद्दे हुण सरकार फेल नज़र आ रही है। बीजेपी ने कल एक प्रैस नोट जारी किया है, बीजेपी के प्रैस नोट नाल की गल फर्क पैंदी है? प्रैस नोट जारी करना बहुत औखा काम, बहुत आसान काम है। गल तो यह है कि लोग की चाहते हैं, गवर्नमेंट्स आर मेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल। जिहड़ियां सरकारां बनदियां लोगों वास्ते बनदियां ते लोग बनाउंदे हैं, ते जे अगर लोगों ने सरकार पंजाब च कांग्रेस पार्टी की बनाई है ते असी सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि लोगों के हितों की गल है, ते जे असी लोगों वास्ते नहीं खड़ा होवांगे ते दैन वाई द गवर्नमेंट फॉर। इस करके तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने यह कहा कि भावें केंद्र की मोदी सरकार साड़ी सरकार नूं बरखास्त करन दी भी गल करूगी ना, तो असी हाजिर हैं, मेरा अस्तीफा जेब च है, मेरी कैबिनेट का अस्तीफा जेब च है, असी पंजाब के लोगों के हितों वास्ते इकट्ठे होकर खड़ने तैयार है। सुखबीर सिंह बादल का कल का बयान है जी, उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का की है, ये हो सकता कि अलायंस जोड़ा है बीजेपी ना कर सकते हैं 2022 अपनी अलग पार्टी बना के। ये बड़िया बेतुखिया गल हैं, मैं समझना कि अज तक अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कदे कांग्रेस पार्टी तो अस्तीफा दिता वो पंजाब वास्ते दिता, पंजाब के लोगों वास्ते दिता, पंजाब की किसानी वास्ते दिता। जो भी कदे भीड़ पई है तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कांग्रेस पार्टी हमेशा मूहरे होकर खड़ी है। जे पंजाब चो अतवाद खत्म होया तो सरदार बेअंत सिंह की शहादत ते बहुत सारे पंजाब के लोगों ने अपनिया कुरबानियां दित्तियां, पुलिसकर्मियों ने अपनिया कुरबानियां दित्तियां, पंजाब दे विच पानिया का मसला आया तो उस मसले नूं अगर हल किया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस मसले नूं हल करके लोगों की कचहरी च रखिया। और उस तो बाद जो अज किसानी की गल आई है, इस मुद्दे के उपर राष्ट्रपति अपनी कंसेंट देंदे कि नहीं देंदे, लीगल तरीके असी किवें लड़ाई लड़नी है, जिस तरह साढ़े लीगल एक्सपर्ट्स एडवाइस करनगे उस तरह लड़ांगे, पर लेकिन जे अज विधानसभा विच अपनी सरकार की परवाह ना करके इस सरकार नूं बरखास्त करन दा जो ललकारा मोदी ने अपने तरीके नाल साढ़े कोल भेजिया सी, उस दी गल दी परवाह ना करदे होए पंजाब दी विधानसभा विच कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप विच मूहरे होकर इस गल का कानून पास किया है ताकि साडा किसान ते गरीब ते छोटा दुकानदार ते आड़तिया ते ट्रांसपोर्टर ये सारे लोग बच सकन, पंजाब दी इकोनमी बच सके और पंजाब दोबारा मजबूती दियां लीहां ते चल सके। सर कोला तुहाडे को खत्म हो रहा है, थर्मल प्लांट जिहड़े हैगे तुहाडे को बंद हो रहे हैगे, बिजली का संकट आ सकता है, हाई कोर्ट ने कहा है कि रेला तो किसान क्यों नहीं उठा रही हैगी सरकार, हालांकि एक तरह की फटकार सरकार ने लगाई हैगी, कि होर रीजन दस दिओ इस बारे थोड़ा की कहना है कि आने वाले टाइम से सरकार जी है वो किस पोजिशन पर स्टैंड करती भी है। आई थिंक जिहड़ियां किसान जथेबंदियां उन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने विधानसभा भी अपील की है, साढ़े तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनी हुई है कलैक्टिव उन्होंने गल करने वास्ते, उन्होंने भी लगातार उन्होंने अपील की है कि अगर अज किसान जथेबंदियों के लोग अपने प्रोटेस्ट वास्ते रेल लाइनस के उपर बैठे रहेंगे तो ना तो पंजाब कोला आ सकता जो डायरैक्टली बिजली को हिट करेगा, ना साढ़े को यूरिया आ सकता जिहड़ा कि साडी खेती नूं अफेक्ट करेगा और इस दे नाल नाल बहुत वड्डे पद्धर ते साडी इकोनमी नूं नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारी जिहड़ी इंडस्ट्री साडे पंजाब च कारोबार करके कोई चीज़ा बनाउंदी है तो उन्हें एक्सपोर्ट करना है या उन्हें बाहर भेजना है माल या फूड ग्रेन्स दी या एसेंशियल कमोडिटीज़ की ट्रांसपोर्टेशन होनी है, क्योंकि बहुत सारिया एसेंशियल कमोडिटीज़ बाहरले सूबियां तो भी साडे पंजाब च रेल दे राहीं आउंदियां। तो मैं भी किसान जथेबंदियों नूं इस गल की अपील करना चाहना कि जे पानी का मसला आया सी तां विधानसभा च कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस वेले रद्द किया सी ते सुप्रीम कोर्ट च मसला चलता है, तो अज इस मसले नूं पंजाब च रद्द करन दी गल आई, असी रद्द कीता है, किसान नूं प्रोटेक्ट करन दी गल कीती है, MSP देण दी गल कीती है, MSP दा तो घट लैण वाले व्यापारी नूं 3 साल की कैद की गल कीती है। तो यह सारे गल्लां नूं देखदे हुए जिहड़ी चीज़ दे नाल पंजाब की आर्थिकता जुड़ी होवे सानूं उस गल नूं प्राइम फोकस रखना चाहिए, साडी जिहड़ी पंजाब की किसानी नाल चाहे एग्रीकल्चर नूं बिजली नाल जुड़ी गल है तो चाहे यूरिया नाल जुड़ी गल है या एसेंशियल कमोडिटीज़ की गल है या बिजनेस की गल है, क्योंकि सूबे कोल जिहड़ी आमदन आउंदी है वो टैक्स के रूप में व्यापारी वर्ग वालों आउंदी है, वो टैक्स के रूप में होर कारखाने जिहड़े लोग चलाउंदे उन्होंने रूप में आउंदी है, तो अगर वो सारिया चीज़ा बंद हो जाएगी साडा सूबा किवें सरवाइव करेगा। सो दिस इज़ इन द इंटरस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब, जिस तरह किसानी के 3 कानून आए जिहड़े साडे लोगों के खिलाफ सी, साडे लोगों के इंटरस्ट के खिलाफ सी, तो वो वास्ते असी लीगल राय लैन तो बाद विधानसभा में जाके असी उस उपर अटैक किया कि नहीं किया या उदे खिलाफ कानून बनाया कि नहीं बनाया। तो इस करके वी आर विद द फार्मर्स, वी आर विद द लेबरर्स, वी आर विद द छोटे दुकानदार, वी आर विद द आड़तियाज, वी आर विद द ट्रांसपोर्टर्स, वी आर विद द ट्रक ड्राइवर्स, बिकॉज ये सारे लोगों का एक परिवारिक
परिवार का तो आपसी सांझ से रिश्ता सीगा जिहड़ा मजबूती नाल साडे सूबे की तरक्की वास्ते काम करता सी ते उस रिश्ते नूं असीं कदे टुटण नहीं दांगे। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere.